हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का नक्षत्रों की इस सीरीज में। 0 से 360 डिग्री तक सभी नक्षत्रों को कंसीडर किया गया है, जिसमें सभी नक्षत्र आते हैं और इन सभी नक्षत्रों के नाम से आप सभी परिचित भी हैं। तो आज हम बात करते हैं भरणी नक्षत्र की, जो नक्षत्र चक्र का दूसरा नक्षत्र है। इस नक्षत्र का क्या स्वरूप है, क्या विशेषताएं हैं, क्या व्यवसाय या कार्य क्षेत्र हैं, गण क्या है, काष्ठ क्या है, देवता कौन है, इसके शुभ और अशुभ बिंदु क्या हैं, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगली वीडियो में हम इसके चारों चरणों के बारे में समझेंगे। भरणी नक्षत्र में भी 3 तारों का समूह होता है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की शेप में दिखाई देता है। और इसका जो शेप होता है, इसकी जो आकृति होती है, वो ट्रायंगल शेप में होती है, त्रिकोण की शेप में होती है। भरणी नक्षत्र की रेंज डिग्री में 13 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट तक मेष राशि में होती है, जबकि अश्विनी 0 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट तक होती है। इसके जो मेन कैरेक्टरिस्टिक हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं। इसका नक्षत्र का जो स्वामी है वो शुक्र होता है और राशि इसकी मेष होती है। इसका जो सिंबल है वो वजाइना है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फीमेल। इसके नक्षत्र डाइटी है यम, द गॉड ऑफ डेथ। इसकी कास्ट है वैश्य, मर्चेंट, व्यापारी। इसका नेचर है उग्र। इसका गण है मनुष्य और इसका जो रूलिंग डाइटी है वो है देवी लक्ष्मी। इसका जेंडर फीमेल है। इस नक्षत्र के नाम के अक्षर ली, लू, ले और लो से होता है। इसका गुण रजत है, दोष इसका पित्त है, एलिमेंट्स ये अर्थ है। इसका गोत्र वशिष्ठ है, जबकि अश्वनी नक्षत्र का गोत्र मारीची है। डायरेक्शन इसकी वेस्ट है और चतुर्थी तिथि को ये रिप्रेजेंट करता है। भरणी नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति साहसी और रसिक मिजाजी होते हैं, दृढ़ निश्चय होते हैं, जो वचन दिया है, जो प्रॉमिस किया है उसे पूरा करते हैं। किसी भी काम को करने का प्रण लेते हैं तो अपनी ही धुन में लगकर उसे पूरा करते भी हैं। स्वस्थ रहते हैं, सुखी रहते हैं, खुश रहते हैं। किसी भी काम को जल्दी ख़त्म करने की इनकी प्रवृत्ति होती है। ये लोग कम खाने वाले होते हैं, सभी के साथ प्रेम से पेश आते हैं। इनका व्यक्तित्व आकर्षक होता है, धनी होते हैं, लेकिन अपनी कुछ आदतों से इनका नाम खराब भी हो जाता है, क्योंकि इनका मन ज़्यादातर मनोविनोद के कामों में लगा रहता है। जल्दी पाने के लालच में ये लोग कुछ भी कर जाते हैं। पराशर जी ने तो यहाँ तक कहा है कि अगर भरणी नक्षत्र पर मैलेफिक प्रभाव हो तो ऐसे व्यक्ति झूठ भी बोलते हैं और इसीलिए अपने व्यवहार से शत्रु भी बना लेते हैं। इनकी लाइफ में अप एंड डाउन बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। 3 तारों का समूह और ट्रायंगल शेप होने के कारण इस नक्षत्र में कुछ कलात्मक, अध्यात्म, पेशन, क्रिएटिविटी भी देखी जाती है। हालांकि यहाँ मेष राशि होने के कारण मंगल का रोल तो आता ही है, लेकिन शुक्र के पोटेंशियल के कारण ऑकल्ट की तरफ रुझान भी ज़्यादा देखा जाता है। मंगल उसे एनर्जी देता है इन सभी चीज़ों के लिए, जिस चीज़ की तरफ इनका रुझान जाता है, क्योंकि इस नक्षत्र का रंग लाल है, जिसे मंगल अपनी ऊर्जा से एक्टिव रखता है। किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी डीप थिंकिंग के लिए या जो भी चीज़ें इनमें होती है, जिस चीज़ की तरफ इनका रुझान जाता है, उसकी डेप्थ में जाने के लिए मंगल उसे पूरी तरह सपोर्ट करता है। वहीं शुक्र का भरणी नक्षत्र होने से और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का सिंबल होने के कारण ये न्यू लाइफ को, न्यू क्रिएशन को भी शो करता है। इस नक्षत्र का स्वामित्व मिलता है, वह ईश्वरीय पावर है यम, जिसे मृत्यु का देवता भी कहा जाता है। शनि के साथ साथ इसे भी कर्म का देवता कहा जाता है और यमदेव ही मृत्यु के बाद किसी आत्मा के साथ क्या करना है ये वही डिसाइड करते हैं, और ये बात हम सभी लोग जानते भी हैं। दूसरा ईश्वरीय स्वामित्व जाता है माँ शक्ति को, जिसे काली भी कहा जाता है,
क्योंकि इस नक्षत्र को काफ़ी उग्र माना जाता है, एंग्री माना जाता है, और काली का देवी का जो रूप होता है वो शुक्र से कंसीडर होता है, और सबसे एंगर रूप से अगर कोई देवी है तो वो केवल काली ही है। ये बहुत डीप कॉन्सेप्ट है ज्योतिष का और देवी देवताओं की अपनी ऊर्जा का, जिसे किसी और वीडियो में डिटेल्स में समझने का प्रयास करेंगे। इसके ऑस्पिशियस और इन ऑस्पिशियस पॉइंट की अगर बात करें तो इसके शुभ बिंदु की जब हम बात करते हैं तो ऐसे व्यक्ति जिनका जन्म नक्षत्र भरणी होता है, ऐसे व्यक्ति उत्तम विचारों वाले होते हैं, अपने प्रॉमिस के अनुसार कार्य समय पे करते हैं, धर्म के प्रति श्रद्धा रखने वाले होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, फोटोग्राफी या इंस्पिरेशनल बातों में इंटरेस्टेड भी होते हैं, इसलिए ये सभी के प्रिय भी होते हैं और लोगों में जल्दी घुल मिल भी जाते हैं। इसके अशुभ बिंदु की बात करें तो ऐसे व्यक्ति अपने खुद के कंट्रोल से कभी कभी बाहर हो जाते हैं, उन्हें खुद ही पता नहीं होता कि क्या सही है क्या गलत है। अपना ज़्यादातर समय वो विनोद में जो बिताते हैं, जिसमें वो खुद की अपनी अलग ही दुनिया में रहते हैं। कभी कभी तो इनका व्यवहार इतना ख़राब हो जाता है कि सबके प्रिय होने के बाद भी लोगों की नज़रों में अपनी जगह को खो देते हैं। हर तरह के व्यसन का इन्हें शौक होता है, अपनी उन्नति के ये आकांक्षी भी होते हैं। अगर इसके व्यवसाय की या कार्य क्षेत्र की बात करें तो जितने भी ब्लड से रिलेटेड कार्य होते हैं, जैसे रक्त परीक्षक होता है, रक्त बहाने वाला है, या कसाई भी इसी श्रेणी में आते हैं, आतंक या हालात खराब करने वाला, तंत्र विशेषज्ञ, शमशान भूमि पर साधना करने वाले, जो जिसे ग्रेवयार्ड भी बोलते हैं कि ग्रेवयार्ड में जो लोग काम करते हैं, शव परीक्षा करने वाले, शारीरिक कष्ट को पहुंचाने वाले लोग, विष आदि पदार्थ भी इसी के अंतर्गत आते हैं। जितने भी शस्त्र हैं, अस्त्र हैं या कोर्ट कचहरी है, ये सभी इसी के अंतर्गत आते हैं। गायनेकोलॉजिस्ट या फिर सुंदरता से संबंधित कार्य, मॉडलिंग हो गया, मनोरंजन से संबंधित कार्य, जमीन से जुड़े हुए कार्य जो जमीन के ऊपर भी होते हैं और जमीन के नीचे भी होते हैं, किसी भी वस्तु का क्रिएशन करना है, वो सभी इसी नक्षत्र के अधीन आता है। फैशन डिज़ाइनिंग, होटल इंडस्ट्री, एडवर्टाइजिंग या फिर खेतीबाड़ी का जो काम होता है, वो सब इसी नक्षत्र के अंतर्गत देखे जाते हैं। उग्र नक्षत्र होने के कारण उग्र कार्य करना इसी नक्षत्र के अधीन माना जाता है। तो ये थी कुछ जानकारी भरणी नक्षत्र के बारे में। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगली वीडियो में हम इसके चारों चरणों के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरह वो अपना अपना रोल निभाते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।